हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन का पार्ट 5 लेकर आ रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 में हम लोगों ने जनरल इंटीग्रेशंस पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, स्पेशल फॉर्मूले पढ़े थे, बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े थे, इसके ज्योमेट्रिकल अप्रोच पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज आवर बाई पार्ट्स मेथड। वो कौन सा मेथड है? बाई पार्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है, बाई पार्ट्स। इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे? कैटोग्राइज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते थे ना, यू इंटू वी, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़ते थे, याद है आपको? यू yes, को रख के वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को रख के यू का डिफरेंशिएशन, और क्या पढ़ते थे, अपॉन का भी पढ़ते थे, यू अपॉन वी वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, वी को रख के U का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ U को रख के V का डिफरेंशिएशन अपॉन ऑफ V स्क्वायर। लेकिन इंटीग्रेशन में ये दो एक ही फॉर्मूले में ब्रेक हो जाते हैं, एक ही फॉर्मूले में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे आपको U इंटू V करना है या U अपॉन V करना है, आपके पास एक ही फॉर्मूले है। जैसे U अपॉन V है ना, तो आप इसको U इंटू 1 अपॉन V कर लोगे, U इंटू क्या कर लोगे, 1 अपॉन V, और ये दो फंक्शन को इस मेथड पे आप यूज़ कर लोगे। ये तो है ही मल्टीप्लाइड में, अगर डिवाइड में कोई फंक्शन दिखे तो आप उसको मल्टीप्लाइड के फॉर्म में चेंज कर दोगे, ठीक है, और फिर उसको आप बाई पार्ट्स के हेल्प से सॉल्व कर दोगे। इट मीन्स वी हैव ओनली वन फॉर्मूला इन द बाई पार्ट्स, एंड इन डिफरेंशिएशन वी हैव टू फॉर्मूला इन बाई पार्ट्स। तो चलिए उस फॉर्मूले को हम लोग सीखते हैं, बाई पार्ट्स मेथड को। तो बाई पार्ट्स मेथड क्या होता है, जिसमें दो फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, फंक्शन को ब्रेक करना है, फंक्शन को तोड़ना है, फंक्शन को बर्बाद करना है, तो आप किसी भी तरह से उसको तोड़ सकते हो। लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट, हम लोग को सजाना है, उसको अरेंज करना है, समझ में आ रहा है ना, फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसका एरिया निकालना है, उसका एग्रीगेट वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जिसका वैसे नहीं, हम लोग u इंटू वी किसी को भी सपोज कर लेंगे, एक रूल के अकॉर्डिंग हम लोग u इंटू वी सपोज करेंगे। तो देखिए वो रूल लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है कि चूज सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन मतलब v, फर्स्ट फंक्शन मतलब u, तो चूज सेकंड फंक्शन विच इज इजली इंटीग्रेबल। तो v को वैसा चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो, आसान हो, और चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन सच दैट After by parts, complexity of the second term reduces as compared to the original integration. और first और second को ऐसा choose करना है कि integration करने के बाद जो दिखने में जो tough लग रहा है ना, वो फिर क्या हो जाए, आसानी से reduce हो जाए, आसानी से हम लोग उसको integration कर ले। और third क्या है, sometimes one is taken as function, जैसे कोई कोई अजीब से function आते हैं, जैसे sin inverse x dx, या फिर मान लो log x या ln x, तो बताओ इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करेंगे। तो इसमें बोलता है कि समटाइम वन इज टेकन, तो इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम लोग यू इंटू भी लगा देंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे, यू इंटू लगा देंगे। ये क्या है, हमारे रूल है। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना, तो आपका रूल ये है कि यू वैसे फंक्शन को लेना है जिसका डिफ्रेंसिएशन आसान है, और भी वैसे फंक्शन को लेना है जिसका इंटीग्रेशन आसान है, जिसका क्या है, इंटीग्रेशन आसान है। तो इनको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा ट्रिक बना हुआ है जिसका नाम है आईलेट, जिसका नाम क्या है, आईलेट। लेकिन ये ट्रिक हर जगह वैलिड नहीं होते, कहीं कहीं फेल कर जाते हैं, आपको ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा, माइंड में आपको सेटअप करना ही पड़ेगा, यू वैसे फंक्शन को लेना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान है, भी वैसे फंक्शन को लेना है जिसका इंटीग्रेशन आसान है, और बाकी आप आईलेट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन मोस्टली 90-95% जगह ये वैलिड रहते हैं। तो आई से क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन, आई इज इन स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, और एल से क्या होते हैं, लॉगारिथमिक फंक्शन, मैं क्यों लॉग लिख देता हूँ, लॉगारिथमिक फंक्शन। ए से क्या होते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x वाले टर्म्स। तो इस सीरीज में ऊपर से मैं आऊंगा,
और जो पहले दिखेंगे, जो पहले आएंगे उसको यू मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, यू, और रिमेनिंग पार्ट को क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। यही आपका आईलेट मेथड है, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, आईलेट। लेकिन कहीं कहीं ये फेल कर जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर ऐसे जगह भी फेल कर जाते हैं जहां दोनों के दोनों एलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों के दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर वहां आप कंफ्यूज कर जाओगे किसका, किसको मैं यू लूं, किसको भी लूं। सो इट्स बेटर आपको माइंड में ये सेटअप रखो कि जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको आई लूंगा, इट मीन्स उसको भी लूंगा, और जिसका डिफ्रेंसिएशन आसान है उसको यू लूंगा। चलिए हम लोग पहले u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखता हूं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एकदम आपको अच्छे से रट जाओ इसे, u को रख के v का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, फिर इनके प्रोडक्ट का फिर अगेन इंटीग्रेशन, फिर इनके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है लेकिन याद करना आसान है। u को रख के v का इंटीग्रेशन, U का डिफरेंशिएशन और V का इंटीग्रेशन, फिर इनके दोनों प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो देखो जो V है वो क्या हो रहा है, ऑलवेज इंटीग्रेशन हो रहा है, और U क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। और U और V पहचानने का तरीका मैं बोल दिया, कौन से मेथड, आईलेट मेथड, कौन से मेथड, आईलेट। एलजेब्रिक कॉन्स्टेंट भी रहेंगे तो उसको एलजेब्रिक की तरफ बिहेव करोगे, कॉन्स्टेंट भी रहेंगे तो उसको एलजेब्रिक की तरफ बिहेव करेंगे। अब इस फॉर्मूला को एकदम अच्छे से नोट कर लो। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम सबसे पहले इंटीग्रेशन का सबसे आसान क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं। वी हैव टू इंटीग्रेट x e टू द पावर x, इंटीग्रेशन का सबसे आसान क्वेश्चन। जैसे आप देखो x कैसा फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन है। e टू द पावर x कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आईलेट सीरीज में आप देख लो पहले कौन सा आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है, एलजेब्रिक। तो x को आप क्या सपोज करोगे, u सपोज करोगे, और e टू द पावर x को क्या सपोज करोगे, v। तो फॉर्मूला लगा दो, u को रख के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो देखो कितने आसान हो गए, u, u क्या है आपके, x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। du अपॉन dx, तो u का रोल कौन निभा रहा है, x, इंटू प्रोडक्ट, वी इज योर व्हाट, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो x इंटू ई टू द पावर x माइनस x का इंटीग्रेशन, x का सॉरी डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, और ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, तो 1 इंटू ई टू द पावर x कितने बन जाएंगे, ई टू द पावर x कितने बन जाएंगे, ई टू द पावर x। बस आगे आंसर x ई टू द पावर x, ई टू द पावर x का अगेन इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ई टू द पावर x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहो तो ई टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। x sin x dx, तो चलो इसमें देखो x आपके कैसे फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन है। साइन एक्स कैसे फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस सीरीज में देखो पहले एलजेब्रिक है कि ट्रिगोनोमेट्रिक, एलजेब्रिक है, और ये कैसे है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो ये आपके कैसे दिख गए, यू बन जाएंगे, और ये क्या दिख गए, वी। डायरेक्ट मैं पुट करता हूं, यू को रख के वी का इंटीग्रेशन, यू को रख के वी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ यू का डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट इसके साथ क्या हो जाते हैं, v का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। x sin x का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, माइनस ऑफ cos x, और x का डिफरेंशिएशन अगेन 1 हो गए, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो माइनस x cos x, और फिर cos x का इंटीग्रेशन कितने हो जाते हैं, साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इन दोनों को लेना है ना, तो देख लो किसको, किसका डिफरेंशिएशन आसान है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन आसान है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, ई टू द पावर एक्स का देखो इंटीग्रेशन कितना होता है, ई टू द पावर एक्स, बहुत आसान है। और अगेन इसमें भी आप समझ सकते हो, नहीं तो आप आईलेट मेथड से यूज करो। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर इसके बाद अगेन आगे बढ़ते हैं। चलिए आप तब तक ट्राई कीजिए log x का इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन आप ट्राई करो। और इधर मैं एक फंक्शन दे देता हूं sec cube x,
इनका इंटीग्रेशन आप ट्राई कीजिए दो क्वेश्चन। तो मैं क्या बोला था कि अगर कोई अकेला फंक्शन दिखे तो उसको आप वन से मल्टीप्लाई कर दो और u into v लगा दो। तो चलो करता हूं मैं, वन into ln x dx, और वन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को कैसा बिहेव करते हैं, एलजेब्रिक की तरह। कांस्टेंट को कैसा बिहेव करते हैं, एलजेब्रिक की तरह। तो देखो लगा दो, ये एलजेब्रिक हो गया और ये लॉग हो गया। तो आइलेट सीरीज में कौन पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, यू, और ये क्या बन जाएगा, वी। तो दिस पार्ट बिकम योर यू एंड दिस पार्ट बिकम योर वी, ठीक है ना। तो लगाता हूं यू को रख के वी का इंटीग्रेशन, तो एल एन एक्स को रख के वन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो वी आपका कितना है, वन डी एक्स, और फिर इनके प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन करना, फिर इनके प्रोडक्ट का भी आपको इंटीग्रेशन करना। तो चलो एल एन एक्स वन का इंटीग्रेशन तो सबको रटा हुआ है ना, क्या होते हैं एक्स, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स। छोटे छोटे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको वेरी फास्ट आने चाहिए, एक्स और एक्स क्या हो गया कैंसिल। तो एल एन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन अगेन एक्स प्लस सी, और यहाँ का एक्स इधर है, तो एक्स कॉमन भी ले सकते हो, एल एन एक्स माइनस वन प्लस सी। अब एल एन एक्स का इंटीग्रेशन रट जाओ, इसको बड़े क्वेश्चन में हम लोग बहुत ही फास्ट यूज करने वाले, ठीक है ना। आई होप आपको एल एन एक्स के इंटीग्रेशन समझ में आ गए होंगे, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसका आपको रटा हुआ रहना चाहिए। तो चलो अब सेक क्यूब एक्स को देखते हैं। अब देखो सेक क्यूब एक्स में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें वन से मल्टीप्लाई करें या फिर सेक क्यूब एक्स को ही अलग अलग कर दें। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको दिखने में ये अकेला दिख रहा है, लेकिन अकेला नहीं है, इसमें तीन सेक एक्स है। कितने सेक एक्स है, तीन सेक एक्स है। ये फंक्शन अकेला था, इसमें आपको वन का जरूरत था, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसमें तीन सेक एक्स है। तो आप क्या करोगे, आपको तो बाई पार्ट्स कर रहे हैं, आपको तो दो ही टुकड़े में करने हैं, तो एक सेक एक्स को अलग कर दो और दो सेक एक्स को एक साथ कर दो। तो एक सेक एक्स को अलग कर देते हैं और दो सेक एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को एक साथ कर देते हैं। अब आप सोचो इसमें किसे मैं यू मानूं और किसे वी मानूं, आप एक बार सोचो। मैं क्या बोल रहा हूं, वी उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसान है। तो आप देखो तो किसका इंटीग्रेशन आसान है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। बताओ दोनों में से आसान कौन सा टर्म लग रहा है, टेन एक्स आसान लग रहा है, ये आपको थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो जो जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको क्या मानना है, वी मानना है, और जिसका डिफरेंशिएशन आसान है उसको क्या मानोगे, यू मानोगे। आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट। और ये तो बायो वाले भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बायो में भी इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिजिक्स तो किसी भी डेरिवेशन या किसी भी न्यूमेरिकल में फर्स्ट ही स्टेप चलता है, उसके बाद तो टोटली मैथ्स चलते हैं, और जितने भी डेरिवेशन है उसमें तो 80% फुल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज है। सो तो बायो वाले बच्चे भी से पूरा वीडियो को देखें। तो चलो u इंटू वी लगाता हूँ। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को रख के v का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू v का इंटीग्रेशन, फिर इनका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। क्लियर हो रही बात है। तो चलो u को उठाओ, sec x, sec x v का इंटीग्रेशन, v इज योर व्हाट, sec स्क्वायर x dx। अब चलो du यू अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स u, u क्या है आपके, sec x है, और v आपके क्या है, sec स्क्वायर x dx, और इनके प्रोडक्ट का भी आपको इंटीग्रेशन करना है, इनके प्रोडक्ट का भी आपको इंटीग्रेशन करना है। तो sec x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, वेरी गुड, माइनस। अब यहां से बताओ मुझे d dx ऑफ sec x, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ sec x का सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है sec x का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे, sec x इंटू tan x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x,
से एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होते हैं 10x। अब इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना, अब इनके प्रोडक्ट देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी होते जा रहा है। सपोज अगर कुछ नहीं होता है तो इंटीग्रेशन को मैं आई सपोज कर लेता हूँ, तो ये आई है तो इसी से ये बना है, 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 तो सारे टर्म क्या है आई, तो ये भी टर्म्स क्या है आपके आई। तो आई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ sec x इंटू 10x माइनस sec x 10x 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 10 स्क्वायर x और सारे sec x के फॉर्म में, तो इसको भी मैं sec x के फॉर्म में लिखूंगा, तो 10x 10x 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो यहां से i इक्वल टू मेरा क्या बन गया sec x 10x माइनस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो sec x इंटू sec स्क्वायर x कितना हो जाता है sec क्यूब x और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो प्लस कितने हो जाएंगे sec x, दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों को मैं अलग अलग कर दिया, क्लियर हो रही है बातें। तो अब देखो sec क्यूब x यही तो हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा क्या था क्वेश्चन था। सपोज अगर इसको मैं आई माना हूं तो ये भी आपका क्या है आई, तो ये माइनस आई है, ये क्या है आपके माइनस आई, तो माइनस आई इधर आके क्या हो जाएंगे हाँ माइनस आई इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस आई, और ऑलरेडी एक आई है तो आई प्लस आई कितने हो जाएंगे टू आई, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया, ये आई इधर आ गए तो प्लस बन गए, तो आई आई कितने हो गए टू आई हो गए, और इधर से कितना है sec x 10x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ sec x प्लस 10x, ठीक है ना। और मैं एक c लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ c, आपको क्या निकालना है i निकालना है, तो बस इस 2 को हटाकर डिवाइड में कर दो, इस 2 को हटाकर क्या कर दो डिवाइड में कर दो, तो मैं ऊपर लिख दूँ या i ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो i इक्वल टू क्या बन जाएंगे आपके sec x इंटू 10x अपॉन 2 प्लस log या 1 बाई 2 इधर कर देता हूँ log ऑफ sec x माइनस 10x प्लस, दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ हम लोग बाई पार्ट्स वैसे यूज करेंगे जिसमें टू टाइम्स बाई पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी तक जो भी हम लोग यूज किए वन टाइम्स बाई पार्ट, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन यूज करेंगे जिसमें बाई पार्ट्स दो या दो से ज्यादा बार यूज होते हैं, ठीक है ना। आप इसे स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। देखिए अब हम लोग ऐसे बाई पार्ट्स में ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें वन से ज्यादा टाइम्स हमको यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़े, ठीक है ना। तो एक उस पर एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं e टू द पावर x sin x। तो पहले मुझे जल्दी बताओ e टू द पावर x sin x में u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। sin x कैसा फंक्शन दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, e टू द पावर x कैसा फंक्शन दिख रहा है एक्सपोनेंशियल। i let के अकॉर्डिंग पहले कौन आ रहा है t, तो t आपका क्या बन जाएगा u। तो sin x किसकी तरह बिहेव करेगा u की तरह, और e टू द पावर x किसकी तरह बिहेव करेगा v की तरह, और इसे मैं i मानूंगा, क्या मानूंगा i। तो चलो फॉर्मूले पे पुट कर दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, u को रख के sin x को रख के v का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस ऑफ u को रख के v का इंटीग्रेशन du अपॉन dx, डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए du अपॉन dx। तो u कौन से हैं आपके u इज योर व्हाट sin x, तो sin x करेंगे, और प्रोडक्ट क्या होता है v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा व्हाट इज योर v v e टू द पावर x, और फिर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो चलो आगे बढ़ाता हूं मैं, sin x e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब चलो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अब यहां पर देखो, अब यहां पर थोड़ा सा आपको लफड़ा क्रिएट हो गया, फिर से आपको u इंटू वी दिख रहा है, जैसे e टू द पावर x sin x थे, फिर से आपको क्या दिख रहा है e टू द पावर x cos x। जैसे अगर e टू द पावर x sin x रहता तो इसको मैं i मान के इधर कर देता, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है आपको e टू द पावर x cos x, तो यहां पर आप i नहीं मान सकते, अगेन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अगेन आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगेन बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो sin x
ई टू द पावर एक्स, इनको तो परेशान नहीं करेंगे, जो भी हम लोग को गेम खेलना है इसके साथ करना है। तो माइनस, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, यू इन टू भी इसमें फिर से लगाते हैं, तो सेम फंडा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री यू बने तो यहाँ पर यू क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। तो यू को रख के भी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ यू का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स और इनटू ऑफ भी का इंटीग्रेशन, तो भी इज योर ई टू द पावर एक्स डीएक्स, और इनका इनके प्रोडक्ट का फिर अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है, और ये ब्रैकेट जो स्टार्ट है वो यहाँ पर जाकर बंद हुआ, ये यहाँ पर बंद हुआ, ठीक है ना। तो इसको e टू द पावर x साइन x को एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस देखो क्या बन जाएंगे, e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो ये क्या बन जाएंगे, e टू द पावर x cos x, e टू द पावर x cos x, ये ब्रैकेट में चल रहा है, ठीक है। अब इधर आते हैं, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर निकला, ये क्या बन गया, प्लस ऑफ साइन एक्स, और ये फिर क्या बन गए, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अभी इनका एक टाइम्स इंटीग्रेशन बाकी है, लेकिन हाँ ये सेम दिख गया, आई दिख गया आपको, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स सेम दिख गया, तो सेम दिख गए तो फिर से उसको आई मान लेंगे। तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये पूरा आई चल रहा है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, तो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और ये क्या बन जाएंगे, माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन में चल रहा है, ठीक है ना। माइनस प्लस कितने हो गए, माइनस हो गए, ये आई हो गए, आई इधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस आई, और आई प्लस आई कितने हो जाएंगे, टू आई, तो टू आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहो तो ई टू द पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हो, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है, तो आई फाइंड आउट करना है तो टू क्या कर देना, डिवाइड में कर देना, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इस टू को हटाकर और इस पूरे को वन बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन टू टाइम्स यूज हो गए, इंटीग्रेशन कितने टाइम्स यूज हो गए, टू टाइम्स यूज हो गए, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक लेवल हाई क्वेश्चन है, इसको देखिए, साइन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर थ्री अपॉन टू, तो देखो इसमें इंटीग्रेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज हो रहे हैं, इंटीग्रेशन के साथ साथ कौन से मेथड यूज होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लेक्चर नंबर 2-3 थे, ठीक है ना। तो देखो कौन सा लफड़ा क्रिएट कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स क्रिएट कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्लियर हो रही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी, क्लियर हो रहा है बात, जो आप यूज कर लो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो नोट कर लिए होंगे आप। अब चलो मैं ऊपर पुट करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स क्या है, टी है, और डी एक्स आपका क्या है, ये यूज कर देता हूँ, छोटा सा दिख रहा है, कॉस टी। अब ये बच गया रूट अंडर, तो देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर ये है क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई टू का पावर थ्री है, यही है ना। तो वन बाई टू मतलब क्या, रूट, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो सुनो, तो देखो यहां पर आप पुट कर दो, तो देखो एक्स आपका क्या है, एक्स क्या है आपका साइन टी है, सपोज एक्स क्या है आपके साइन टी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या बन जाएंगे, यहां पर मैं इसको पुट करता हूं एक्स की जगह पे, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर टी का पावर कितना है, वन बाई टू का पावर कितना है, थ्री, तो टू टू कैंसिल, इट मीन्स ये पूरा कितना बन जाएगा, कॉस क्यूब टी, और ये तो डी टी चल ही रहा है, ठीक है ना। अगर मैं एक बार समझा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को टी माने, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस स्टेप को मैं मिटा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने, टी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, साइन टी,
dx इज इक्वल टू कितने बन गए cos t dt। तो साइन इनवर्स को तो मैंने t लिख दिया, dx को मैंने क्या लिख दिया cos t dt लिख दिया। अब ये आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 बाई 2 का पावर 3। तो x से जब मैंने sin t पुट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल cos क्यूब t आ गए। क्लियर हो रही बातें? तो एक cos से तो एक cos खत्म, तो ये कितने बच गए t इंटू cos स्क्वायर t, ऊपर जाके कितने बन जाएंगे sec स्क्वायर t dt। अब इसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, u इंटू v लगा देना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और लास्ट में t का वैल्यू पुट करना नहीं बोलना, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपके लिए सॉल्व देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जैसे टू टाइम्स बाई पार्ट यूज किए, अब इसके बाद कुछ बाई पार्ट्स के अंदर कुछ स्पेशल फॉर्मूले बन गए, बाई पार्ट्स के अंदर कुछ स्पेशल फॉर्मूले बन गए, उन स्पेशल फॉर्मूले को हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, स्पेशल फॉर्मूला है बाई पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट फॉर्मूले आपके क्या है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स रहेंगे। तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी पे, आप डायरेक्ट चाहो तो यूज कर सकते हो। और दूसरा स्पेशल फॉर्मूला क्या बन गया, और ये दोनों फॉर्मूला बोर्ड लेवल में भी है, मतलब सीबीएसई में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है ना। तो टोटल इसके अंदर चार स्पेशल फॉर्मूले बनते हैं। तो ये दो आपके क्या है, बोर्ड में है, और बाकी के जो दो है ना वो कम्पिटिटिव यूज होते हैं, ठीक है ना। तो e टू द अगला क्या है, x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर डी एक्स रहेगा तो आप इसे डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, x एफ एक्स प्लस सी। ये तो चलिए इन दोनों का मैं प्रूफ करके भी बता देता हूँ। फर्स्ट का प्रूफ देखो, तो फर्स्ट का प्रूफ क्या है, अगर इनको ब्रैकेट से आप ओपन करोगे तो e टू द पावर एफ एक्स प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखो इनको अलग अलग कर देता हूँ, तो देखो इनमें आप इनमें मैं बाई पार्ट्स लगाना चाह रहा हूँ, तो सोचो किसको मैं u मानूँ किसको v मानूँ। तो v मुझे वैसे को मानना है जिनका इंटीग्रेशन आसान है, तो इन दोनों में किसका इंटीग्रेशन आसान है, एफ डैश एक्स का ज़्यादा इंटीग्रेशन आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है, तो इसे भी मानो और इसे क्या मानोगे, यू मानोगे, इसे क्या मानोगे, यू मानोगे। देखो यहाँ पर अगर आप आईलेट के अकॉर्डिंग मानोगे तो रॉन्ग हो जाओगे, इसे आईलेट के आप अकॉर्डिंग मानोगे तो एफ डैश एक्स एल्जेब्रिक है, इसे यू मानना पड़ेगा, और e कैसे हैं एक्सपोनेंशियल, तो इसे भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फॉल्स हो जाओगे, यहाँ पर आपका आंसर गलत आ सकता है। तो देखो f डैश x इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, भी मानूंगा, ठीक है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, e टू द पावर इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ और इधर मैं करता हूँ u को रख के v का इंटीग्रेशन। तो u को रख के अरे इसको ब्रैकेट में e टू द पावर x u को रख के v का इंटीग्रेशन, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएंगे, एफ एक्स, आ रहा है ना समझ में। और माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एफ एक्स, समझ में आ रहा है ना। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो रहा है, क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये आप डायरेक्ट यूज कर लो, ये आप क्या कर लो, डायरेक्ट यूज कर लो, इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसका भी डेरिवेशन उसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे सेकंड वाले फॉर्मूले देखिए, x एफ डैश एक्स और अलग अलग कर देता हूँ एफ एक्स, तो अगेन इसमें u इंटू भी लगा सकते हो, तो इसको क्या मानोगे, v, और इसको क्या मानोगे, u, तो u को रख के v का इंटीग्रेशन, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एफ एक्स, माइनस ऑफ u को रख के v का इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और प्लस में एफ एक्स, तो ये सेम पार्ट दिख गया ना, तो ये कैंसिल कितने आ गए, एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो अभी हम डायरेक्ट याद करो, e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब जो यहाँ फंक्शन रहेंगे उसके डेरिवेटिव रहेंगे, तो यू हैव टू यूज e टू द पावर एक्स एफ एक्स, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, देन वी विल यूज एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब चलिए इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो इतने क्वेश्चन बाई इन दोनों फॉर्मूले पे करते हैं। तो चलो फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे,
e टू द पावर x, ये जो एफ एक्स दिख रहे हैं उसका क्या दिख रहा है, डिफरेंसिएशन। तो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा डायरेक्ट, e टू द पावर x एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपके, साइन x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट तो इससे भी ज्यादा आसान है, e टू द पावर x एफ एक्स दिख रहे हैं और x का डिफरेंसिएशन दिख रहा है, तो डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, e टू द पावर x एफ एक्स। तो e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। समझ में आ। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे। सेटिंग क्यों, क्योंकि जैसे आप e टू द पावर x देखोगे ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए, स्टैक होना चाहिए, अच्छा e टू द पावर x है तो इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में बन जाएंगे, तुम्हारे काम बन जाएंगे। तो फिर आप इसमें सेटिंग करो, e टू द पावर x x है तो जो नीचे है उसको मैं बनाता हूँ, तो वन प्लस एड कर देता हूँ, और बैलेंस करने के लिए वन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छे से देख लो, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, e टू द पावर x, एक बार इनको लेकर चलता हूँ, फिर एक बार वन के साथ लेकर चलूंगा। तो इनको लेकर चलूंगा तो वन प्लस एक्स और एक तो कैंसिल हो गया, तो ये कितने मिल गए, वन प्लस एक्स और माइनस ऑफ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब दिख रहे हैं ना आपको, ये एफ एक्स दिख रहे हैं, ये एफ डैश एक्स दिख रहे हैं, वन अपॉन एक्स का डिफरेंसिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसके डायरेक्ट बन जाएंगे e टू द पावर x अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी। देखो कितनी आसानी से बन गए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हो गए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसे नोट कर लो, फोर्थ नंबर में स्टार्ट करता हूँ। चलिए इसको ऊपर लिख देता हूँ, e टू द पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब चलो इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करते हैं। देखो आपको इसमें दोनों यूज करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और बाई पार्ट्स भी। तो जहां टेन इनवर्स एक्स दिखे तो इसी को तो लेना है, इसी को तो यूज करना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन गिवेन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो यही पढ़े हैं, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है उस फंक्शन को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट tan इनवर्स x को मैं क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। tan इनवर्स x को क्या मैं मान लिया, t। तो चलो यहां से यूज करते हैं, x इक्वल टू क्या बन जाएंगे, tan t, और dx इक्वल टू क्या बन जाएंगे, tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर t dt। अब चलो ऊपर पुट करता हूं मैं, e टू द पावर tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t कितना हो जाएगा, t 1 प्लस x, x इज योर व्हाट, tan t प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएंगे, tan स्क्वायर t, और dx है, dx से जब आप क्या यूज करोगे, sec स्क्वायर t dt अपॉन 1 प्लस x, x इज व्हाट, tan स्क्वायर t, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हो, बस पुट किया हो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या हो जाता है, sec स्क्वायर t, तो ये पूरे इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें यूज करता हूँ e टू द पावर t 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर टी, और tan t को मैं पहले लिख दिया। अब देखो कितने आसान बन गए, कितने देखने में डरावने से लग रहे थे, कितने आसान बन गए, e टू द पावर t यानी e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिख रहे हैं, tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर t tan t प्लस c। अब चलिए आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो e टू द पावर t, तो t का वैल्यू कितना था, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x फिर tan t, तो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। ITF का तो थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही होगा कि tan और tan इनवर्स x आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अब इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला नंबर 1, 2 स्पेशल पढ़े, अब 3, 4 को पढ़ेंगे, कितने 3, 4 को पढ़ेंगे। चलिए फॉर्मूला नंबर मैं 3 लिख देता हूं, e टू द पावर x, e टू द पावर x cos bx, इसका देखिए, इसका भी एक रेडीमेड फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको रट लो। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में तो नहीं आते, लेकिन मेंस लेवल में, एडवांस लेवल में इनका डायरेक्ट यूज करते हैं। e टू द पावर x cos bx रहेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस
बी साइन बी एक्स प्लस सी, और एक और इसके साथ e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, तो इसके फॉर्म में क्या बन जाते हैं e टू द पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ रटने का, e टू द पावर एक्स सेम रहेंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो पार्ट दोनों में है, और जो cos bx है तो cos bx पहले रखेंगे, cos bx को क्या रखेंगे पहले, और a कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और cos का उल्टा क्या sin bx, और इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम फंडा ये सेम रहेंगे, sin bx को पहले रखेंगे जो है उसको पहले रखेंगे और a से मल्टीप्लाई करेंगे, और sin का रिवर्स क्या हो जाता है cos, तो cos में माइनस लगा देंगे, बस यहां पर याद रखना इसमें प्लस होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। जैसे इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिखो आप। आपको इंटीग्रेशन करने हैं e टू द पावर 2x साइन 3x dx का, साइन 3x dx का, ठीक है ना। तो आप देखो इस फॉर्मूले से चलोगे, सपोज इस फॉर्मूले से चलोगे तो कितने आसानी से बना लोगे। देखो e टू द पावर ax साइन बी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है e टू द पावर ए एक्स, तो e टू द पावर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, a का रोल यहां पर कौन निभा रहा है 2 और b का रोल कौन निभा रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 13, और यहां पर कितने बन जाएंगे a, a क्या है आपका 2 साइन बी एक्स, तो 3x माइनस b, b आपके क्या है 3 cos bx, तो 3x plus c, देखो कितने आसानी से बने, कितने आसानी से बने। देखिए बाई फॉर्मूला देख रहे हैं तो हमारे क्या बन जा रहे हैं, इसके फॉर्मूला ये बन जा रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बन जा रहा है ये बन जा रहा है। तो देखो आप चाहो तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन या फीलिंग के लिए आप चाहो तो u इंटू बी से भी प्रूव कर सकते हो। तो देखो आईडेट के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएंगे u और ये क्या बन जाएंगे v, तो चलो फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। तो I इज इक्वल टू यू को रख के भी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x और फिर इनका अगेन इंटीग्रेशन, तो ये I इज इक्वल टू क्या बन जाएंगे e टू द पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन देखो e टू द पावर 2x अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 साइन 3x माइनस, इसका देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x क्या हो जाते हैं, हाँ तो साइन 3x क्या हो जाते हैं cos 3x इंटू 3 इंटू क्या हो जाएंगे 3, और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन 2, और फिर अगेन मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, अगेन मुझे इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन 3x माइनस, अब देखो इसको मैं अगेन करता हूँ फिर से मैं u इंटू भी लगाऊंगा, तो इस 3 बाई टू को बाहर कर दिया और cos 3x और e टू द पावर 2x में अगेन u इंटू भी लगाया, तो इस पार्ट को मैं u मानूंगा और इस पार्ट को मैं क्या मानूंगा v, तो u को रख के तो cos 3x को रख के e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ du अपॉन dx, तो du अपॉन dx तो कितने बन जाएंगे cos 3x और फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx और फिर अगेन इनका इंटीग्रेशन कर दो। थोड़ा लेंदी जा रहा है इसीलिए मैं एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको दे दिया था, ठीक है ना। e टू द पावर 2x अपॉन 2 sin 3x, अब देखो मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, ब्रैकेट को मैं क्या कर देता हूँ ओपन या फिर अगले स्टेप में ओपन करूंगा, तो 3 बाई 2 cos 3x कितने बन जाएंगे ये cos 3x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x 1 अपॉन 2 माइनस cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 3x का सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 3x, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएंगे प्लस sin 3x इंटू 3 और e टू द पावर 2x का क्या बन जाएंगे e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। देखो ये सेम क्वांटिटी, ये क्या दिख रहा है आपको
आई दिख रहा है, कितना दिख रहा है आई। तो अब ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन 3x माइनस 3/4, यहां पर कितना हो जाएंगे 3/4 कॉस 3x ई टू द पावर 2x, और ये कितने बन जाएंगे माइनस और प्लस माइनस 9/4 और ये पूरे तो आई बन गए, तो ये पूरे कितने बन जाएंगे आई। समझ में आ रहा है आपको, माइनस 9/4 को इधर कर दो तो आई प्लस 9/4 इज इक्वल टू ये पूरे क्वांटिटी, ये पूरे क्वांटिटी है तो इसमें से मैं 1/4 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितने बन जाएंगे ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x 1/4 को कॉमन लूंगा ना तो कितने बन जाएंगे ई टू द पावर 2x, और ये तो 2 है ना तो एक 2 मल्टीप्लाइड में आ जाएंगे, एक 2 क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाइड में आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर साइन 3x, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3/4 को कॉमन ले लेता हूँ, या चलो 1/4 को ही कॉमन ले लेता हूँ, तो e टू द पावर 2 e टू द पावर 2x साइन 3x, और यहाँ से 1/4 कॉमन लूंगा तो कितने बन जाएंगे 3 cos 3x e टू द पावर 2x। तो देखो 4 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 13, हाँ तो 13/4 i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो e टू द पावर 2x अपॉन 4, और यहाँ पर कितने बन जाएंगे 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c, ये 4 क्या हो गए कैंसिल, और ये 13 नीचे चला जाएगा तो i इक्वल टू कितने बन जाएंगे e टू द पावर 2x अपॉन 13 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। एक बार आप आंसर मिला लो, सेम दिख रहे हैं क्या e टू द पावर 2x अपॉन 13 2 साइन 3x, तो प्रूव हो गया ना। तो इतना लंबा चलने से बेस्ट तरीका है आप डायरेक्ट याद करो 3 और 4 फॉर्मूले, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, तो इस पे बेस्ड हम लोग जो बाई पार्ट्स मेथड पढ़े हैं इसमें बेस्ड हम लोग आज एक आईआईटी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, जो आईआईटी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हमारा क्लास आज खत्म करूंगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ द प्रिमिटिव, फर्स्ट क्लास में हम पढ़े प्रिमिटिव इज ऑल्सो द साइनोनिम्स ऑफ इंटीग्रेशन, इफ द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन दिस इज दिस, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है तो आपको m प्लस एन का वैल्यू निकालना है, आपको क्या निकालना है m प्लस एन का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो आपको इसका इंटीग्रेशन करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो चलो उस फंक्शन को लिखते हैं, अब इसमें से ऐसे फंक्शन में से मैं क्या करता हूँ कॉमन निकालता हूँ, तो x का पावर 2009, और यहाँ से देखो अगर x कॉमन निकालूंगा, x का मैं करता हूँ कॉमन निकालूंगा तो कितने निकलेंगे, ये 1006 है, ये कितने है 1006। तो देखो x अगर 2 है और 2 1006 कितने बाहर निकल के बन जाएंगे 2 1012, ठीक है ना, और ये पार्ट कितना बन जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा 1/x²dx। आ रहा समझ में, कॉमन निकालने को वेरी फास्ट आना चाहिए। देखो ना इसमें से पहले इसको देखो, x का पावर 2 है 1006 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएंगे 2012, तो 2012 निकल गए तो ये क्या बन गया 1 बन गए, और ये तो 1 है तो 1/x² करेंगे और पावर में कितने हैं 1006, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको कैंसिल करता हूँ तो ये कितना बन जाएंगे 1/x³, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 1/x² 1006 dx, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को मैं t मान लेता हूँ, तो 1/1 + x² को मैंने क्या मान लिया t मान लिया, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, ऊपर जाके कितने बन जाएंगे ये x का पावर -2, तो -2/x³ dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू व्हाट -dt/2 dx/x³ इज इक्वल टू व्हाट -dt/2, ठीक है ना। थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, इसको एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है ना। dx/x³ -dt/2, अब अगेन मैं पुट करता हूँ इसमें,
तो देखो वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, ये पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएंगे, माइनस ऑफ डी टी अपॉन टू। तो कांस्टेंट तो पता ही है, इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन हो बाहर निकल जाते हैं, और ये कितने बन जाएंगे, वन अपॉन टी का पावर 1006। अब चलो इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ, माइनस वन बाई टू है, ऊपर जाके कितना बन जाएंगे, टी का पावर 1006 माइनस साइन के साथ आ जाएंगे। तो इसका तो इंटीग्रेशन सबको पता है, एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी का पावर इसमें वन ऐड करते हैं, डिनोमीटर में भी वन ऐड करेंगे, तो माइनस ऑफ 1005 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस ऑफ 1006 प्लस वन कितने हो जाएंगे, माइनस ऑफ 1005, और नीचे भी क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ 1005, और डी टी तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, ये कितने हो गए, वन अपॉन 1005 इंटू टू कितने हो जाएंगे, 2010, और ये नीचे आके कितने हो जाएंगे, वन अपॉन टी का पावर 1005। तो पुट कर दो, टी का वैल्यू कितना है, टी इज व्हाट, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर इसको पुट करोगे तो ये कैसे दिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैसे दिखेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर कितने है, 1005। इसको मैं इधर यूज करता हूँ, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन 2010, और ऊपर से कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 1005। तो देखो ऐसा फॉर्मेट आ गया क्या, ये इंटीग्रेशन का जो आंसर था वो फॉर्मेट आ गया ना, वन अपॉन एन, तो वन अपॉन एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एम, तो पावर एम, तो आप कंपेयर करोगे तो एन का रोल कौन निभा रहा है, 2010, एम का रोल कौन निभा रहा है, 1005, तो एम प्लस एन कितने हो जाएंगे, 2010 प्लस 1005, ऐड कर ले तो आपको अच्छे से आता है, तो 3015, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप से आईआईटी के क्वेश्चन थे, 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया। तो आपका बाई पार्ट्स मेथड इतना ही है, आप इस पे अच्छे अच्छे बुक सॉल्व करो, एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले तरीके से पढ़ेंगे, अगले फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़िए।